नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर TA हो, कैम सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल तक हम लोग सब्जी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, उसके अंदर 189 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जो कि एग्रीकल्चर TA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आज हम लोग 190 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की TGT परीक्षा के लिए और PGT के लिए, उत्तर प्रदेश TA एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और एस्कार्बिक एसिड में प्रथम स्थान रखती है। तो आपको बताना है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में ऐसी कौन सी वेजिटेबल सब्जी है जिसके अंदर लोहा, फास्फोरस और एस्कार्बिक एसिड की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन में परवल है, करेला है, तुरई है या चिंचिना है, जिसको स्नेक गार्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, करेला। करेला के अंदर देख सकते हैं, 100 ग्राम करेले की बात करें तो उसके अंदर आयरन की मात्रा 9.40 मिलीग्राम पाई जाती है। फास्फोरस की बात करें तो 14 मिलीग्राम फास्फोरस, एस्कार्बिक अम्ल की बात करें तो 96 मिलीग्राम एस्कार्बिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए करेला जो है प्रथम स्थान रखता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 191 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, शीतोष्ण किस्म की मूली है, पूसा चेतकी है, पूसा रेशमी है या पूसा हिमानी या पूसा देसी। तो यहाँ शीतोष्ण ठंडे जलवायु की मूली पूछ रहा है, इसमें से कौन सी हो जाएगी। तो 191 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा, पूसा हिमानी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह जो है मैदानी क्षेत्रों में हम दिसंबर से लेकर फरवरी तक इसकी बुआई करते हैं, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पूरे साल भर पर्वतीय क्षेत्रों में हम इसको लगा सकते हैं, और बोने के 60 से लेकर 65 दिन में यह मूली तैयार हो जाती है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, अरका अभय प्रजाति किसकी है, बैगन की है, मिर्च की है, टमाटर की है या भिंडी की है। तो अरका अभय वैरायटी बताना है, ये किसकी वैरायटी हो जाएगी। तो ये भिंडी की वैरायटी है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो निकाली गई है वैरायटी, भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलोर द्वारा निकाली गई है, ठीक है। अरका अभय जो भिंडी है, यह जो भिंडी है रोगों के प्रति सहनशील है और अच्छी उपज दे देती है, तो इसलिए काफ़ी फेमस वैरायटी है अरका अभय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एक तने वाली सब्जी कौन सी है, तने वाली सब्जी बताना इसमें से कौन सी है, गाजर है, गांठ गोभी है, शकरकंद है या मूली है। तो तने वाली जो सब्जी हो जाएगी यहाँ पर, गांठ गोभी हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। अगर गांठ गोभी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ब्रेसिका ओलरेसिया किस्म जो है कोलोरापा हो जाएगा, ठीक है, कोलोराप या कोलोरापा के नाम से इसको जानते हैं, तो बॉटनिकल नेम भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एक भारत मूल की सब्जी है। तो भारतीय मूल की सब्जी इसमें से बताना है कौन सी है, मिर्च है, चोंचो है, करेला है या शलजम है। तो भारतीय मूल की जो सब्जी है यहाँ पर, चौंचो हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको चाउ चाउ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस फसल का बीजोत्पादन मैदानी क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसका बीजोत्पादन हम मैदानी क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं।
अगेती फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज और गाजर। तो प्याज, गाजर और अगेती फूल गोभी, इन तीनों का करते हैं मैदानी क्षेत्रों में बीजों उत्पादन, लेकिन बंद गोभी जो है ये ठंडे प्रदेशों में की जाती है जहाँ पर टेम्परेचर 5 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उन क्षेत्रों पर इसका हम बीजोत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ठंडे क्षेत्रों के लिए है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 196 पर। क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्राय पर परागित फसल है, तो पर परागित फसल इसमें से बताना है कौन सी है, टमाटर है, बैंगन है, मटर है या प्याज है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्याज, प्याज एक प्रकार की पर परागित फसल है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जिसको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर एक तो प्याज आ जाएगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, मिर्च, भिंडी, ये सब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो इसको भी याद रखना है, लौकी है, शलजम, गाजर, टमाटर, बैंगन और मटर, ये सब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। 197 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय फूल गोभी मुख्यतः होती है, तो भारतीय जो फूल गोभी होती है इसके अंदर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्व अनिश्चय कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो और भी क्रॉप्स हैं जिसके अंदर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है, देख लेते हैं, जैसे सरसों है, राई है, शलजम और भारतीय फूल गोभी, तंबाकू, मूली आदि में इसमें क्या होता है, एक पौधे के पुष्पों द्वारा उत्पन्न जीवित या सक्रिय परागमय उसी पौधे के पुष्प में निषेचित करने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, असमर्थ हो जाते हैं या असमर्थ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्व अनिश्चयता कहते हैं, जिसको सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें 100% पर परागण होता है। ठीक है, 100% क्या होता है, पर परागण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 198। 198 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, सही कथन आपको बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है, श्वेता मटर की लंबी बढ़ने वाली प्रजाति है, श्वेता सोयाबीन की लंबी बढ़ने वाली प्रजाति है, या श्वेता मटर की बौनी प्रजाति है, श्वेता सोयाबीन की बौनी प्रजाति है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि श्वेता एक प्रकार की मटर की बौनी प्रजाति है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी श्वेता जो है एक अंगूर की भी वैरायटी है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसके अलावा श्वेता जो है अंगूर की भी एक प्रकार की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199। 199 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, पूसा संयोग संकर किस्म है, किसकी है, बोड़ा की है, कद्दू की है, खीरा की है या खरबूज की है। तो पूसा संयोग काफ़ी फेमस वैरायटी है दोस्तों, तो ये हो जाएगी खीरा की वैरायटी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 200 पर। 200 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंदीय फसल है, इसमें से बताना है कंदीय फसल कौन सी है, मशरूम तो कंद वाली है नहीं, कसावा है, मूली है या इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें से बताइए कौन सी कंदीय फसल है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंदीय फसल जो है कसावा है। ठीक है, कसावा एक प्रकार की कंदीय फसल है, याद रखेंगे, इसके अंदर स्टार्च बहुत बहुत पाया जाता है, स्टार्च की मात्रा अधिक मात्रा देखने को मिलता है, और यह इसकी खेती कहाँ पर हम करते हैं, केरल राज्य में करते हैं। ठीक है, और इसके जो कंद हैं इनको उबाल कर हम खाने में प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा उपकार किस्म है, टमाटर की है, भिंडी की है, बैंगन की है या राजमा की है। तो पूसा उपकार पूछ रहा है वैरायटी किसकी है, तो ये वैरायटी हो जाएगी बैंगन की। ठीक है, तो बैंगन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके फल कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, जो भरते बनाने में काम में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बटनी उत्पन्न होता है पोटेशियम के अभाव में, नाइट्रोजन के अभाव में, कैल्शियम के अभाव में या मैग्नीशियम के अभाव में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन के अभाव में बटनिंग की समस्या पाई जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203 पर। क्वेश्चन नंबर 203 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टमाटर की निम्नलिखित किस्मों में से कौन एक ठंडे तापक्रम पर भी फल बना सकती है? पूसा संकर वन, पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रूबी। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूसा शीतल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूसा शीतल जो किस्म है टमाटर की, ये कम तापमान पर भी फल बना सकती हैं, ठीक है। इसी कारण इसकी खेती जो है मैदानी भागों के ठंडे इलाकों में की जाती है। इसके जो फल हैं वो फरवरी में पककर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फरवरी मार्च में इसके फल जो है पककर तैयार हो जाते हैं और 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे देती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। 204 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल लवण सहनशील है? लोबिया है, मटर है, चुकंदर है या खरबूजा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर चुकंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुगर बीट, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं जिनको आपको याद करना है, काफ़ी बार पूछता है। सनफ्लावर को पूछ लेता है, सनफ्लावर को पूछ लेता है, बार्ले को पूछ लेता है, ठीक है। ये सब साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी उच्च लवण सहिष्णु फसल है, ठीक है। तो यहाँ से बताना है जो हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, ये आपको बताना है। टमाटर है, उड़द है, शलजम है या मूंग है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 205 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि शलजम। शलजम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शलजम देख सकते हैं उच्च लवण सहिष्णु फसल है, यानी कह सकते हैं हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स है। इसके अलावा हाईएस्ट में आ जाएंगे जौ आ जाएगा, चुकंदर आ जाएगा, पालक आ जाएगा, यहाँ पर खजूर आ जाएगा और शलजम। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद मध्यम में देखेंगे, मध्यम में जो है गेहूँ है, जई है, धान है, टमाटर है, सूरजमुखी, सोयाबीन। और अल्प कह सकते हैं संवेदी जो फसलें हैं लवणता के प्रति, वो है सेम है, मूली है, गाजर, नाशपाती, सेम, सेब कह सकते हैं, बादाम है, नींबू है, नारंगी, ये सब जो हैं लवणता के प्रति संवेदी फसलें हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 206। 206 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती उन्नत किस्में किसकी हैं? मूंग की हैं, उड़द की हैं, मटर की हैं या चौला फली की हैं, जिसको काउपी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि काउपी। इसको हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं। पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती एक प्रकार के लोबिया यानी कि काउपी की उन्नत किस्में हैं। और भी उन्नतशील किस्में हैं इसमें, याद रखेंगे अम्बा है, रंबा है, स्वर्णा है, पूसा संपदा है, श्रेष्ठा है, ठीक है, कोहिनूर, ये सब वेराइटियाँ जो हैं इसकी हैं, लोबिया की हो जाएंगी, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर। 207 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से बताना है वाइट हार्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है, ठीक है। वाइट हार्ट देही की विकार किसका है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है, कौन सी क्रॉप का है? गाजर का है, चुकंदर का है, खरबूज का है या तरबूज का है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि तरबूज, वाटरमेलन की ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वाइट हार्ट। काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर में जो है फ्रूट क्रैकिंग की समस्या पाई जाती है, जो कि बोरान तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है। और तरबूज के अंदर जो है वाइट हार्ट जो पाया जाता है फिजियोलॉजिकल, ये पानी की अधिकता के कारण हो जाता है, ठीक है। ये जो है किसके कारण होता है, पानी की अधिकता के कारण ये हो जाता है, याद रखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है किसके कारण होता है, तो पानी की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 208 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 208 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सफल मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? मशरूम सीड जिसको सपान का प्योर कल्चर कहते हैं, या पर्याप्त आधार, अनुकूलन वातावरण या पर्यावरण पोषक आपूर्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्योर कल्चर सायपन, ठीक है।
तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 209 पर। 209 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल पेड़ी फसल के रूप में उपयुक्त है। तो पेड़ी फसल के रूप में कौन सी फसल लेते हैं। पेड़ी का मतलब होता है एक फसल लेने के बाद उसकी कटाई छटाई करके उसी पेड़ से हम दूसरी फसल ले सकते हैं। प्याज है, बैगन है, टमाटर है, लौकी है। तो लौकी के अंदर, टमाटर के अंदर, प्याज के अंदर हम कर नहीं सकते, बैगन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खाद्य मशरूम कौन सा है। पूरे विश्व की बात कर रहा है, सर्वाधिक लोकप्रिय खाद्य मशरूम कौन सा हो जाएगा। तो पूरे विश्व के अंदर एक ही मशरूम है जो पूरे विश्व के अंदर फेमस है, वो है एगेरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, एगेरिकस बाइस्पोरस यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाजर में कौन से तत्व की प्रचुरता होती है, कैल्शियम की, लोहा की, पोटेशियम की या सल्फर की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 211 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पोटेशियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है, साथ में पोटेशियम तत्व भी आपको याद रखना है, इसके अंदर पोटेशियम भी अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन पोटैटो। ठीक है, आलू के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसमें ट्यूबर बनाने के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 213। यहाँ देख सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए ट्यूबरलाइजेशन के लिए पोटैटो के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चाहिए। अगर जर्मिनेशन की बात करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की, यहाँ पर 25 लिखा हुआ, जर्मिनेशन के लिए 25 चाहिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 20 चाहिए, और ट्यूबर ग्रोथ के लिए 17 से 19 चाहिए। हाइएस्ट ट्यूबरलाइजेशन के लिए दिन में तो चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में चाहिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और ट्यूबर डेवलपमेंट रुकने के लिए चाहिए 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखेंगे 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा कंचन एक प्रजाति है, पत्ता गोभी की है, फूल गोभी की है, सलजम की है या इनमें से कोई नहीं है। तो पूसा कंचन जो एक प्रजाति है ये सलजम की प्रजाति है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी देखेंगे सलजम की कुछ और प्रजातियाँ हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, पूसा, सेवाती, पंजाब सफ़ेद चार, प्लेट जापान, पर्याप्त पारियल टॉप वाइट और पूसा स्वर्णा है, गोल्डन वाल है। ये सब वैरायटियाँ किसकी हैं, सलजम की हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 214 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कुकुरबिट्स कौन सा है। तो कुकुरबिट्स वाली सब्जी इसमें से बताना कौन सा है, मटर है, भिंडी है, लौकी है या गाजर है। तो यहाँ पर लौकी जो है ये कुकुरबिट्स के अंतर्गत आ जाएगी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुकुरबिट्स परिवार में और भी देखेंगे खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, कद्दू है, खरबूज, तरबूज, खीरा। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, कुकुरबिट्स परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजाब छुआरा एक प्रजाति है, सलजम की है, गाजर की है, मूली की है, टमाटर की है। तो पंजाब छुआरा काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये टमाटर की वैरायटी है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर की और भी वैरायटियाँ हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं, जैसे पूसा रूबी बार बार एग्जामों में दिया जाता है, पूसा शीतल दिया जाता है, हिसार ललित दिया जाता है। ठीक है, ये सब वैरायटियाँ एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA के अंदर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 देखेंगे कौन सी साग भाजी पौध रोपित कर उगाई जाती है। तो कौन सी सब्जी बताना इसमें से पौध रोपण के बाद उगाई जाती है, यानी कि नर्सरी डालकर उसको लगाया जाता है।
तो यहाँ देखेंगे खरबूज को तो लगा नहीं सकते, गाजर को नहीं लगाते, मूली को भी नहीं लगा सकते, इसमें कैबेज हो जाएगा, पत्ता गोभी। इसको हम पहले नर्सरी डालते हैं, फिर इसका रोपित फसल के रूप में लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, पत्ता गोभी का खाने वाला भाग जो है उसको किस नाम से जानते हैं, हेड हेड के नाम से जानते हैं, और पत्ता गोभी का जो पुष्पक्रम होता है उसको कैटकेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217, इनमें से कॉल क्राप कौन सी है? तो कॉल क्राप जानते ही हैं, चाहे गांठ गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, ठीक है, गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं सब किस में आएंगी, कॉल क्राप के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चाहे ब्रोकोली हो, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है, ये सब किस में आएंगी, कॉल क्राप के अंतर्गत आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218, 218 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा हिमानी एक प्रजाति है, किसकी है? गाजर की है, मूली की है, शकरकंद की है या तुरई की है? यहाँ देख सकते हैं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। तो पूसा हिमानी जो वेराइटी है यहाँ पर हो जाएगी मूली की वेराइटी है, रेडिश की है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मूली की और भी वेराइटियाँ हैं जिनको आपको याद करना है, पूसा हिमानी पूरे साल भर इसको उगा सकते हैं। राउंड चेरी बेली ये लाल रंग की मूली की किस्म है, अर्का निशांत मूली की किस्म है, पूसा चेतकी जो है इसको हम मार्च से लेकर अगस्त तक उगा सकते हैं, ठीक है, बहुत बार पूसा चेतकी भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रेफनस सेटाइवस बताना किसका बॉटनिकल नेम है? सलजम का है, मूली का है, गाजर का है या इनमें से कोई नहीं? तो रेफनस सेटाइवस जो है यहाँ पर जो बॉटनिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मूली का, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे गाजर का वैज्ञानिक नाम डेकस कैरोटा होता है, लहसुन का एलियम सेटाइवम होता है, चुकंदर का बीटा वाल्गेरिस होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्का ज्योति एक प्रजाति है, तरबूज की है, खरबूज की है, प्याज की है या लौकी की है? तो इन चारों में से बताना है किसकी वैरायटी है। तो यहाँ पर तरबूज की वैरायटी है अर्का ज्योति, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तरबूज की और सारी और भी कुछ वैरायटियाँ हैं जिनको आपको याद करना है, शुगर बेबी पूछे तो ये भी तरबूज की वैरायटी है, दुर्गापुर केसर पूछे ये भी तरबूज की वैरायटी है, अर्का मानिक पूछे ये भी इसी की है तरबूज की, अर्का मधुर और अर्का आशीर्वाद, पूसा बेदाना काफ़ी बार एग्जामों में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये तरबूज की वैरायटियाँ हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आलू का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आलू का वनस्पतिक नाम सब लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हार्डियम वाल्गेर जो देख रहे हैं ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये जौ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और ओराइजा सेटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो ओराइजा सेटाइवा किसका होता है? धान का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे अरेकिस हाइपोजिया ये किसका होता है? तो अरेकिस हाइपोजिया जो है ये मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम आप लोग जानते हैं पाइसम सेटाइवम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। कुछ इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना आप लोगों के बीच 8 बजे लेकर उपस्थित होते हैं। तो इस वीडियो को जितने भी वीडियो हैं पार्ट में बनते हैं सभी वीडियो को आप लोग रोज़ाना देखा करिए। क्वेश्चन जो भी एग्रीकल्चर TA के अंदर बनेंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा दीपाली प्रजाति किस फसल की है? तो पत्ता गोभी की है, मूली की है, गांठ गोभी की है या फूल गोभी की है? तो पूसा दीपाली जो वेराइटी है काफ़ी फेमस वेराइटी है ये फूल गोभी की वेराइटी है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी देखेंगे अगेती किस्में कौन कौन सी होती हैं फूल गोभी की और पछेती किस्में कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से भी बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। तो अगेती किस्म सबसे पहले देखेंगे पूसा अर्ली सिंथेटिक,
अरली कुंवारी, पूसा दीपाली और पंत गोभी तीज, ये सब जितनी भी वेरायटियाँ देख रहे हैं ये सब अगेती किस्में हैं फूल गोभी की। पछेती किस्मों की बात करें तो पूसा स्नोबॉल हो गया, पूसा शंकर दो हो गया, पूसा शरद और हिसार वन, ये सब पछेती किस्में हैं फूल गोभी की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 223। 223 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कल्याणपुर बारामासी एक प्रजाति है, लौकी की है, बैगन की है, मिर्च की है या करेला की है? तो कल्याणपुर बारामासी जो एक किस्म है ये किस्म किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ पर करेले की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करेले की बात करें तो करेले के अंदर जो पुष्प पाया जाता है वो मोनोसियस प्रकार का पुष्प होते हैं, उभयलिंगी जिसको कह सकते हैं। करेले के अंदर जो कड़वाहट आती है वो मोमोर्डी सीन के कारण आती है, ठीक है, मोमोर्डी सीन तत्व के कारण इसमें करेले में कड़वाहट आता है। करेले की बीज दर की बात करें तो बीज दर इसमें 4 से 5 किलोग्राम लगता है। बुआई की बात करें तो फरवरी से लेकर मार्च में इसकी बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224। 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्का हरित किसकी प्रजाति है, लौकी की है, तोरई की है, करेला की है या खरबूज की है? अर्का हरित यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। 224 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, करेले की वैरायटी है, ठीक है। करेले की और भी कुछ वैरायटियाँ हैं जिनको आपको याद करना है। पूसा दो मौसमी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, कल्याणपुर सोना, ग्रीन लौंग, कोयम्बटूर लौंग, पूसा विशेष, जयपुर लोकल, ठीक है। ये सब जितनी वैरायटियाँ हैं ये सब किसकी वैरायटियाँ हो जाएंगी? करेले की वैरायटियाँ हो जाएंगी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225। बनाना स्वीट किसकी प्रजाति, काफ़ी फेमस वैरायटी है बनाना स्वीट, तो ये बताना है किसकी वैरायटी हो जाएगी बनाना स्वीट? मिर्च की है, खरबूज की है, सेब की है या केला की है? तो 225 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिर्च, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे तीखी मिर्च और शिमला मिर्च दोनों की अलग अलग किस्में होती हैं, जहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाला समस्या हो जाता है, ठीक है। तीखी मिर्च की बात करेंगे तो पूसा ज्वाला, पंत सीवन, पटना सूर्या और ज्वालामुखी, ये सब तीखी मिर्च की हैं। शिमला मिर्च की बात करें तो यहाँ पर कैलिफोर्निया वंडर, बुल नोज, स्वीट बनाना, येलो वंडर, ये सब किसकी किस्में हो जाएंगी? ये सब मीठी मिर्च यानी कि शिमला मिर्च की वैरायटियाँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 226। क्वेश्चन नंबर 226 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में खरबूजा बोने का समय बताना है, कौन सा समय अच्छा माना जाता है, फरवरी मार्च, अप्रैल मई, जून जुलाई या अगस्त सितंबर? तो उत्तर भारत में खरबूजे की जो बुआई की जाती है वो की जाती है फरवरी मार्च में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे पत्ता गोभी की बात करें तो अगस्त से सितंबर में बुआई करते हैं, आलू की बात करें तो 15 से 25 अक्टूबर में बुआई करते हैं, करेले की बात करें तो फरवरी से लेकर मार्च में बुआई करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227। 227 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रीष्मकालीन लौकी का बीज दर आपको बताना है, ठीक है। गर्मियों के अंदर जो लौकी बोई जाती है उसका सीड रेट बताना है कितना लगता है, 2 से 3 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम, 8 से 9 किलोग्राम? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन लौकी का जो सीड रेट होता है वो 4 से लेकर 5 किलोग्राम होता है एक हेक्टेयर के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाजर का वानस्पतिक कुल कौन सा होता है, तो गाजर की फैमिली यहाँ पर बताना है, अम्बेली फेरी, सोलेनेसी या क्रूसी फेरी या एपीएसी? तो यहाँ पर देखेंगे अम्बेली फेरी जो फैमिली है ये गाजर की है, ठीक है। यहाँ पर धनिया, सौंफ, जीरा, ठीक है, तो इन सब की फैमिली क्या हो जाएगी? अम्बेली फेरी। यहाँ देखेंगे प्याज की फैमिली या इसका बॉटनिकल नेम जो होता है एलियम सेपा होता है, फैमिली की बात करें एलिएसी। लहसुन के वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेटाइवम, तो यहाँ पर एलिएसी फैमिली है। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, फैमिली की बात करें सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229। शलजम का उपज बताना प्रति हेक्टेयर कितना होता है, 50 से 150 कुंटल, 150 से 250 कुंटल, 250 से 300 या 350 से 450 कुंटल पर हेक्टेयर? तो शलजम की जो उपज होती है औसतन वो होती है 150 से 250 कुंटल, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230।
230 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तना तथा फल छेदक अधिक हानिकारक किस्में पहुंचाता है, भिंडी में, शलजम में, मिर्च में या बैंगन में? तो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शूट एंड फ्रूट बूरर, तो ये सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है ये बैंगन की फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी रोकथाम के लिए हम एमिडा क्लोरोपिड एक दवा आती है 0.03% ml के दर से, या कह सकते हैं 0.03 ठीक है ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 231, फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान बताना है, साइप्रस है, चीन है, भारत है या ऑस्ट्रेलिया है? तो फूल गोभी का जो वैज्ञानिक नाम, इसमें उत्पत्ति स्थान पूछा है, तो उत्पत्ति स्थान यहाँ पर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, यानी कि साइप्रस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे टमाटर का जो उत्पत्ति स्थान है वो पेरू है, बैंगन का उत्पत्ति स्थान भारत है, आलू का दक्षिणी पूर्वी इसमें अमेरिका हो जाएगा ठीक है, या इसको पेरू के नाम से कह सकते हैं, भिंडी जो है अफ्रीका उत्पत्ति स्थान माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टमाटर में उर्वरक देने की विधि है, तो टमाटर में जो उर्वरक दिया जाता है वो 50% उर्वरक रोपण के पूर्व दिया जाता है तथा 50% एक माह बाद दिया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233, काल मेघ बताना है किसकी प्रजाति है, तोरई की है, बैंगन की है, मटर की है या शकरकंद की है? तो काल मेघ जो वैरायटी है ये किसकी हो जाएगी यहाँ पर, जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि स्वीट पोटैटो की वैरायटी है, शकरकंद की वैरायटी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काल मेघ वैरायटी शकरकंद की है, इसके साथ और भी शकरकंद की कुछ वैरायटियाँ हैं जिनको आपको याद करना है, CO3, श्री नंदिनी, श्री वर्धनी, श्री भद्रा ठीक है, गौरी शंकर, ये सब किसकी है, शकरकंद की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234, तरबूज के कुल का नाम बताना है, तरबूज किस फैमिली से बिलोंग करता है ये आपको बताना है, वाटरमेलन ठीक है, मालवेसी से है, लेगुमिनेसी है, कुकुरबिटेसी है या क्रूसीफेरी से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कुकुरबिटेसी से, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुकुरबिटेसी। इसके बाद यहाँ देखेंगे प्याज जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा, फैमिली की बात करें एलिएसी फैमिली से, चुकंदर की बात करें बीटा वल्गेरिस चीनोपोडिएसी फैमिली से, शलजम की बात करें ब्रेसिका कंपोस्ट्रिस क्रूसीफेरी फैमिली से, उसके बाद एबेल मोस्कस एस्कुलेंटम जो है ये भिंडी का वैज्ञानिक नाम होता है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 235 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 235 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अर्का रक्षक कौन सी फसल की तिहरी रोगरोधी F1 संकर है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर का है, बैंगन का है, प्याज का है या भिंडी का है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर टमाटर ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। इसके बाद यहाँ देखेंगे कुछ और भी टमाटर की वैरायटियाँ हैं और उनकी कुछ विशेषताएँ हैं, उनको भी आपको याद रखना है। अर्का वरदान जो है टमाटर की किस्म है, लेकिन किस प्रकार के नीमेटोड व झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, इसको आप याद रखेंगे। पूसा 120 और SL 120 ये भी टमाटर की वैरायटियां हैं, सूत्र कृमि रोधी किस्म है ठीक है। पूसा दिव्या की बात करें प्रथम हाइब्रिड किस्म है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वेरायटी है पूसा दिव्या ठीक है, प्रथम हाइब्रिड किस्म है टमाटर की, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हिसार अनमोल और हिसार गौरव, दोनों ही टमाटर की वैरायटियाँ हैं लेकिन लीफ कर्ल रोग प्रतिरोधी किस्में हैं ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्का लोहित किस फसल की किस्म है? अर्का लोहित पूछ रहा है किसकी किस्म है, भिंडी की है, टमाटर की है, मिर्च की है या बैंगन की है? तो अर्का लोहित जो है ये मिर्च की वैरायटी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मिर्च दो प्रकार की होती है, एक होती तीखी मिर्च, एक होती शिमला मिर्च ठीक है,
तीखी मिर्च की बात करेंगे, इसकी जो किस्में हैं वो है पुटना ज्वाला, एलिफेंट ट्रंक, उसके बाद पटना सूर्या, अग्नि, ज्वालामुखी, ये सब तीखी मिर्च की वैरायटियां हैं। मीठी मिर्च की बात करें जिसमें जिसको हम शिमला मिर्च के नाम से जानते हैं, कैलिफोर्निया वंडर किस्म है, बुलनोज किस्म है, स्वीट बनाना किस्म है, अर्का मोहिनी है, अर्का बसंत है, ये सब जितने भी किस्में देख रहे हैं ये सब शिमला मिर्च की किस्में हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को सीधा बोया जाता है, तो कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम डायरेक्ट सीधी बुआई कर सकते हैं। टमाटर जानते हैं नर्सरी लगाते हैं, बैंगन देखते हैं नर्सरी लगाते हैं, लेकिन भिंडी को हम सीधे बो सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है याद रखेंगे, एवेल मोस्कस एस्कुलेंटम, ये भिंडी का वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है। भिंडी का खाने योग्य जो भाग होता है उसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और पूरे विश्व में बात करें भारत का भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान है। भिंडी की किस्में देखेंगे, कुछ किस्में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बात करेंगे पूसा शतावरी, ठीक है, पूसा शतावरी जो भिंडी की किस्म है इसमें रोए नहीं पाए जाते हैं और कांटे रहित किस्म है और अम्लीय और लवणीय भूमि में इसको लगा सकते हैं। वर्षा उपहार की बात करेंगे और परभनी, ये दोनों वेराइटियाँ भिंडी के हैं, वर्षा उपहार और परभनी, ये सफ़ेद मक्खी रोधी किस्म है। अर्का अनामिका की बात करेंगे तो पीला सीरा रोग रोधी किस्म है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 238। 238 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाजर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना लगेगा, यानी आपको बताना है गाजर की एक हेक्टेयर में बीज दर बताना है कितना लगेगा, 4 से 5 किलोग्राम, 6 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 या 18 से 20 किलोग्राम। तो गाजर का जो सीड रेट है वो लगता है 4 से 5 किलोग्राम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पालक की, पालक के सीड रेट भी आपको याद होना चाहिए, 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये पालक का सीड रेट लगता है, ठीक है। शलजम भी बहुत बार पूछा गया है, तो शलजम का भी आपको याद रखना है सीड रेट, ठीक है, शलजम का, तो शलजम का जो सीड रेट लगता है 3 से लेके 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। वहीं मूली की बात करें तो मूली में जो सीड रेट लगता है 5 से लेके 11 किलोग्राम तक सीड रेट लगता है, जैसे गर्मी है सर्दियों में अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती है उसी हिसाब से इसमें सीड रेट लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 239 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गुलाबी सड़न रोग किस फसल में पाया जाता है, ठीक है, पर्पल ब्लॉच रोग इसको कहते हैं, कौन सी क्रॉप के अंदर देखने को मिलता है, टमाटर में, मटर में, फूलगोभी में या प्याज में। तो गुलाबी जो सड़न रोग है ये प्याज के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्याज लिखा हुआ दोस्तों, प्याज, प्याज के अंदर देखने को मिलता है गुलाबी सड़न रोग, जिसको पर्पल ब्लॉच रोग का के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किसके द्वारा होता है, एक प्रकार के फंगस के कारण होता है, कवक के द्वारा होता है। गुलाबी सड़न रोग जो है ये अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक जो होता है ये हानि पहुंचाता है, ठीक है, ये कवक का नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240। 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा मुक्ता कौन सी फसल की किस्म है, फूल गोभी की है, पत्ता गोभी, प्याज या टमाटर। तो पूसा मुक्ता जो है ये पत्ता गोभी की किस्म है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पत्ता गोभी की और भी किस्में हैं जिनको आपको याद रखना है, अगेती और संकर किस्में। अगेती में ध्यान देंगे गोल्डन एकर जो है और कोपेनहेग मार्केट, प्राइड ऑफ इंडिया, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है पूसा अगेती, ये सब जो है पत्ता गोभी की अगेती किस्में हैं। संकर किस्में की बात करें तो पूसा ड्रम हेड और पूसा मुक्ता, पूसा रेड और पूसा संबंध, ये सब जितनी भी किस्में हैं ये पत्ता गोभी की हाइब्रिड वैरायटियां हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241। 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मल्टी जर्ब जिसको बहु अंकुरित कहते हैं, चुकंदर किस्मों के बीज दर बताना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना लगेगा। मल्टी जर्ब के लिए 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 25 किलोग्राम। तो मल्टी जर्म चुकंदर किस्मों की बीज दर जो है वो 10 किलोग्राम लगेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चुकंदर का सीड रेट 10 से 12, शलजम का 3 से 4, पालक का 20 से 25 किलोग्राम, ये सीड रेट आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242, मैच कराना है, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है क्राफ्ट, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्पेशल पर्पस। तो कौन सी क्राफ्ट किस पर्पस के लिए उगाया जाता है, रेडिश की बात करेंगे तो रेडिश जो उगाया जाएगा वो कंटूर क्राप के लिए उगाया जाता है। तो कंटूर क्राप यहाँ देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन के साथ हो जाएगा। शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन जो है नर्स वाली क्राप्स ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और किडनी बीन की बात करें तो किडनी बीन जो है ये कैच क्राप के रूप में लगाया जाता है। तो कैच क्राप यहाँ पर कहाँ, कवर क्राप, कवर क्राप, ठीक है। तो किडनी बीन जो है कैच क्राप के रूप में लगाया जाता है, याद रखेंगे। और उसके बाद क्लस्टर बीन की बात कर लेते हैं, एक मिनट। क्लस्टर बीन जो है एनर्जी क्राप के रूप में लगाया जाता है, इसके साथ चला जाएगा। उसके बाद मार्वेल ग्रासेस जो है ये कवर क्राप के रूप में लगाया जाता है, कवर क्राप के रूप में लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो किडनी बीन है ये यहाँ पर हो जाएगा किडनी बीन का कैच क्राप, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कैच क्राप के रूप में लगाया जाएगा इसको, कैच क्राप के रूप में लगाएंगे इसको, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम मैच करा लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 243 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243, अगेती बंद गोभी के लिए उपयुक्त पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी कितनी रखते हैं। तो अगेती बंद गोभी के लिए जो पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी जो रखी जाती है वो रखी जाती है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 45x45 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर पौध से पौध की दूरी 45x45 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर यहाँ पर देरी से बुआई करना है तो उसके लिए 60x45 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्टेंस रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, देरी के लिए 60x45। और यहाँ पर बाकी अगेती के लिए जो है वो 45x45 से रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244, शिमला मिर्च की संकर किस्मों का सीड रेट बताना है, ठीक है। शिमला मिर्च की हाइब्रिड जो किस्में हैं उनका सीड रेट बताना है, बीज दर बताना है कितना लगेगा। 200 से 250 ग्राम, 750 से लेकर 800 ग्राम, 1000 से लेकर 1500 ग्राम या 2000 से लेकर 2500 ग्राम। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 से लेकर 250 ग्राम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर बात करें मिर्च का जो सीड रेट है वो लगेगा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, यहाँ पर शिमला मिर्च का पूछा था वो भी हाइब्रिड का, तो 200 से लेकर 250 ग्राम। मिर्च के जो पौध हैं वो नर्सरी में लगाने के लिए 35 से लेकर 45 दिन में रोपाई योग्य हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245, अर्ली नेक्टिस गाजर की एक महत्वपूर्ण किस्म है, ठीक है। तो अर्ली नेक्टिस बताना है ये किसकी किस्म है, तो ये पता ही चल गया कि गाजर की एक महत्वपूर्ण किस्म है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद और भी कुछ वेराइटियाँ हैं, जैसे पूसा केसर जो है ये गाजर की अगेती किस्म है। पूसा मेघाली की बात करें ये अधिकतम विटामिन ए इसी वेराइटी से प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए की बात करें तो पूसा मेघाली में पाया जाता है। चेंटने की बात करें तो ये डिब्बाबंदी के लिए यानी कि प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी वेराइटी, स्टोरेज करने के लिए सबसे अच्छी वेराइटी मानी गई है चेंटने। और इम्प्रेंटर की बात करें तो ये देर से बुआई के लिए उपयुक्त है, इम्प्रेंटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 246, 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पफिनेस किस फसल का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पादप कारकीय विकार है। टमाटर का है, मिर्च का है, फूलगोभी का है या पत्ता गोभी का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पफिनेस, ये एक प्रकार का टमाटर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ देखेंगे टमाटर के और भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जिनको आपको याद करना है और किसकी कमी के कारण होता है। फल चटकना यानी कि फ्रूट क्रेकिंग की जो समस्या टमाटर में पाई जाती है वो बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। ब्लोजम एंड रोट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको BER के नाम से जानते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सन स्कॉल्ड जो पाया जाता है ये टेम्परेचर की अधिकता के कारण होता है। कैटफेस की जो समस्या पाई जाती है ये अनुपयुक्त जलवायु दशाओं के कारण होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247, 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कद्दू वर्गीय किस परिवार के संबंध रखते हैं। तो कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें होती हैं
वो क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। कद्दू वर्गीय जितने भी क्रॉप्स होती हैं कुकुरबिटेसी में आएंगे। गाजर जो है अम्बेली फैमिली में आएंगे और भिंडी जो है मालवेसी फैमिली से बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर किस परिवार से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं टमाटर सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में और भी आएंगे, जैसे मिर्च की बात करें, बैंगन की बात करें, आलू की बात करें, टमाटर, ये सब सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है पूसा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है, काफ़ी फेमस वैरायटी है पूसा कोमल, लोबिया की है, फ्रेंच बीन है, ग्वार है या मटर की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा लोबिया की वैरायटी है, काउपी जिसको कहा जाता है। ठीक है, पूसा कोमल वैरायटी किसकी है, काउपी की है, जो कि हरियाणा से इसको निकाला गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 खीरे की जाति है, तो खीरे की प्रजाति इसमें जाति बताना है। लखनऊ सफ़ेद है, पूसा संयोग है, लखनऊ लेडी लव है या मजनू की पसलियाँ हैं। तो काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूसा संयोग जो है खीरे की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये F1 संकर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, F1 संकर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक जो फसल का उत्पादन किया जाता है, आम है, टमाटर है, आलू है या अंगूर है। तो आलू का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चाहे क्षेत्रफल की बात करें चाहे उत्पादन की, दोनों में प्रथम स्थान पर कौन है, आलू, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 252 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 252 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पूसा अनुपम किस्म बताना किसकी है, टमाटर की है, बैगन है, मिर्च है या शिमला मिर्च है। तो पूसा अनुपम जो वैरायटी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी बैगन की वैरायटी है, काफ़ी फेमस वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी किस्में हैं देखेंगे, टमाटर की जो फेमस वैरायटी है वो हो जाएगी पूसा शीतल, एग्जाम में पूछता है। लॉन्ग मेलन की वैरायटी जो है अर्का शीतल हो जाएगा। कुकुम्बर की बात करें शीतल हो जाएगा। बैगन की बात करें पूसा अनुपम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे करेला, करेला का जो जन्म स्थान है कहाँ पर माना गया है, भारत में, अमेरिका में, रूस में या अफ्रीका और चीन। तो करेले का जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका तथा चीन माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ठंडे मौसम की फसल है। तो ठंडे मौसम की फसल आलू, खीरा, टमाटर, कद्दू। तो यहाँ पर आलू जो है ये ठंडे मौसम की फसल है। तो आलू के साथ याद रखेंगे मूली, फूलगोभी, सलजम, मेथी, सौंफ, मटर, चना, ये सब जितनी भी रबी की क्रॉप होती हैं वो ठंडे जलवायु की फसलें होती हैं। गर्म मौसम की बात करेंगे तो गर्म मौसम में खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, उसके बाद टमाटर है, लौकी, तरबूज, खरबूज, तोरई, ये सब गर्मियों के सीजन में लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुगर बेबी प्रजाति है। तो शुगर बेबी किसकी वैरायटी है, खरबूजे की है, तरबूज की है, काशी फल की या करेले की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वाटरमेलन तरबूज की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो फल का वजन है वो 6 से लेकर 7 किलोग्राम तक होता है, हरे रंग का होता है, धारीदार, उस पर लाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, उसके जो बीज होते हैं बहुत कम या छोटे आकार के इसमें बीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। खरबूजे की अधिकांश किस्में किस वर्ग की हैं, मोनोसियस होती हैं, स्त्रीलिंगी होती हैं, गायनोसियस जिसको कहते हैं, या एंड्रोमोनोसियस होती हैं, या एंड्रोमोनोसियस होती हैं। तो यहाँ पर जो खरबूजे की अधिकांश जो वैरायटियाँ होती हैं वो होती हैं डी ऑप्शन, यानी कि एंड्रोमोनोसियस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रोमोनोसियस क्या होता है, इसके अंदर नर और उभयलिंगी फूल एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है, नर और उभयलिंगी जो फूल होते हैं एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, एंड्रोमोनोसियस कहा जाता है। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर था सब्जियों की खेती, ये आज हमारा समाप्त हुआ।
एग्जाम के अंदर यानी कि एग्रीकल्चर टीए के अंदर, एग्रीकल्चर पीजीटी और एग्रीकल्चर टीजीटी, इसके अंदर अगर सब्जियों की खेती से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक से लेकर 256 क्वेश्चनों को पढ़ डालिए, बढ़िया से रट डालिए, तो आप लोगों को सब्जियों की जितनी भी वेरायटियाँ हैं, जितने भी किस्में हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों के यहीं से तैयार हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।